कमेटी को प्रदान की गई है और पकड़ लिया यहां पर प्रयागराज ने, चैलेंज कर रही है प्रयागराज। ये वही प्रयागराज है जो इसे पहले मैच करीबी अंतर से हारी थी अयोध्या से, और यहाँ पे कटौली कटौली को साबित करना पड़ेगा क्योंकि सम्मान दाव पर है। संतोष यादव जी अगर मेरी आवाज आप पर जा रही हो, क्योंकि मैच खेलने का कोई मतलब नहीं अगर आप सीखे ना, हार 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 से बच जाता है हाहाकार, तो फिर उस हार का ये क्या मतलब भी आप सीखेगा। कम उम्र में ही खिलाड़ी में वो जीवंतता कर्मठता वो हुनर दिख जाता है, तब वो आगे चल के बेहतर खिलाड़ी बन जाता है। मैं किसी भी खेल की बात कर रहा हूँ, वॉलीबॉल नहीं, किसी भी खेल का मैदान है। वो नहीं कि वो दो साल तीन साल में अच्छा हो जाता है, अच्छा दिखना अच्छा होना और अच्छा खिलाड़ी शुरुआती चरण में ही उसकी कौशल कला का प्रतिबिंब दिखने लगता है। अभी मेरा कहना है इतिहास का एक छोटा सा विद्यार्थी रहा हो तो इसके लिए नाम के साथ वो काम आप करते हैं। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी आए गए, फिटनेस दक्षता भी वैसी होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों ने 10-15 साल तक संतोष यादव जी, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आप जरूर इस मैच के तुरंत बाद गोरखपुर कॉलेज और पीएचयू तैयार है। इस मैच के तुरंत बाद गोरखपुर कॉलेज और पीएचयू तैयार है। बार बार वही गलती, मैंने पहले भी कहा था ना कि जंपिंग सर्विस दिख के जब बहुत सारे लोग कहते हैं देख के ही वो मारने लगते हैं, वो भी मार रहे हैं भी मारेंगे, अरे कोई मतलब नहीं उसका। जब तक मारक क्षमता के साथ दूसरे विपक्षी खेमे को आप दहला ना दे, डरा ना दे, उस खेल के करतब के साथ उस हुनर को सही इंजेक्शन प्रदान करते हैं आप। मेरी बातों को लोग बुरा भी मानते हैं लेकिन मैं जो कहता हूँ, डंके की चोट पर 6-3 का स्कोर। मैंने पहले भी कहा था हमारा क्षेत्र जो गाजीपुर का है, मैंने कि बहुत सारे लोगों ने फोटो डालने शुरू किए, जलकल योजना जो है, कैबिनेट जो मंत्री है, मैंने उनसे कहा कि वो योजनाएं गांव में लागू नहीं होती। तो बहुत सारे कुछ ऐसे हैं गाजीपुर से, मैं इंडिया वाइज और सहारा न्यूज नेटवर्क देखता हूँ। राहुल सिंह जी ने 2500 रुपए की सहायता राशि दी है जय बजरंग स्पोर्टिंग क्लब को, आपका स्वागत अभिनंदन बंदर है। लंबी रैली चलती है, फिर एक बार छोटी गेंद कर दी, मौका ताना टच आउट का सफल प्रयास यहां पर हुआ है, मगर ये प्रयास फलीभूत को, इस प्रयास का जो निष्कर्ष हो वो सफलता के मुहाने तक जाए वो पूरा सहयोग करना पड़ता है आपको। इस खिलाड़ी के क्या कहने, जब जब गेंद बनी है इनको में तब्दील किया, 7-5 का स्कोर। उसमें दयाशंकर सिंह उस मैच को करवाते हैं, वो बड़ा टूर्नामेंट है, ये वो महिलाओं का है भैया, तो उसके साथ 16 फरवरी को यहाँ से मैं आपको एक खुशखबरी भी दूंगा, बहुत अच्छा मैच होगा आरा बखोरापुर से। अजय सिंह जो उद्योगपति है, बहुत बड़ा खेल का मैदान खेल गांव से, लगभग 1,50,000, बहुत शानदार मैच। और यहाँ पे वाराणसी के क्षेत्र में भी यहाँ के लोगों को उम्मीद रहती है कि यहाँ कम मैच हो, और लगातार यहाँ पर यहाँ के आयोजक मंडल ने इस मैच को बखूबी सफलता पूर्वक करवाया है, और इस मुकाबले को आप देख पा रहे हैं, ये गलती, अब ये बराबर नहीं, लीड आई हो दादा भाई बवाल, अब उल्टा लीड खा गई, उल्टा लीड खा गई 8-7 का स्कोर। 8 की सेवा 7 के लिए, कटौली चल रही है, चल रही है कटौली, और ये देखिए यहाँ पे आउट मार गया, और टच आउट माफ करें, 8-8 का स्कोर, 8 की सेवा 8 के लिए, बराबरी का ये मुकाबला, महा मुकाबला, प्रयागराज 8 कटौली 8, 8 की सेवा
आठ की आठ आठ का स्कोर। फिर एक बार कटोरी के लिए मौका है, बेहतर जैक्सन ने आप प्रदान किया। एक एक बराबर पर ही मुकाबला है, बराबर पे ही टीमें हैं। कौन किस पर भारी, मैच के अंतिम समय तक ही मुकाबले चलेंगे, कई इस पर निर्धारित है। कटौली 9, प्रयागराज 9, 9 9 का स्कोर। बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया, लाजवाब अद्भुत खेल हो रहा है यहाँ पे। इस खिलाड़ी के क्या कहने, मन मोहा है इस खिलाड़ी ने। सफलता कहते किसे है, खुद को आप कितना इस खेल में चली ना 8-9 बजे ले पर्दे के पीछे जो प्रैक्टिस होती है जो कोई देख ना पाए। हाँ ये डिफेंस है, ये जिसे डिफेंडर कह रहे शानदार लिफ्ट भी है, और ये मैं इसी खिलाड़ी की बात कर रहा था। तुरुप के इक्के की बात करें, शतरंज के विषाद में वॉलीबॉल में भी उस शतरंजों के मोहरे को आप सही अंजाम सा दे पाते हैं, ये वॉलीबॉल के भी सुनाकर आनंद है। बढ़ता चढ़ता प्रयागराज 10 कटोरी 9, 10 9 का स्कोर। जवाब दिया है फिर एक बार बराबर। जितेंद्र सिंह जी ने 11,000 रुपए की सहायता राशि दी है। जितेंद्र सिंह जी ने 11,000, सत्यम भट्टा मालिक आप है, 11,000 रुपए आपने सहयोग किया, काफी अच्छा सर्विस है भाई। ये तो बच्चा सोच रहा है कि याद दिलाता हुआ। मार टू मार, वो मार रहा है और शानदार खेल रहा है। एहसास है सिलार है कि 47 सुखोई मिग 21 के सभी लड़ाकू विमानों की बमबारी इस समय हो रही है निवा के खेल मैदान पर। क्या करेंगे, किसको गेंद करेंगे, ये डिफेंडर फिर इन्हीं किसी को गेंद कर दे। गजब इस मैच की पटकथा लिखी है, जिसके हीरो ये खुद है भाई, ये पुरोधा खुद है। उस कहानी को कितना बुन पाते हैं आप, गढ़ पाते हैं, इसी में कुछ ऐसे खिलाड़ी दिख जाएंगे आपको। टच आउट का प्रयास था, प्रयागराज बढ़ता हुआ 13-11। सुजीत सिंह 11,000 रुपए का सहयोग आपने कमेटी को दिया है। सुजीत सिंह कमेटी आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती है। 12-13 का स्कोर, 14-12 का स्कोर, 14 की सेवा 12 के लिए 26-14-50 अर्पित की सर्विस होगी। खड़े खड़े अच्छी सर्विस, अच्छी सर्विस, वही पैक्सा कर दिया है। पैर फुटबॉल का काफी रोल है, क्रिकेट के साथ ही किसी भी खेल में पैरों की चपलता, वो हरकत बाजी करनी पड़ती है। जमेंगे आप तो उठेगा ये। अब चलिए देखकर में छोटा लगे घाव करे गंभीर। लिफ्टिंग शानदार हो रही है, प्रयागराज 15 कटोरी के। कुछ अजीब अंदाज में उठी है, अब 14-15 एकदम बराबर का मुकाबला, दोनों ही बराबर की टीमें हैं। और फिर उठी है गेंद, मौका है, थोड़ी सी वाइड हो गई, लंबी रैली, इस मैच की सबसे लंबी रैली। लंबी रैली कौन मारेगा बाजी,
और जीत सुनिश्चित करने के लिए आपको जूझना पड़ता है। प्रयागराज 16, कटौली 14, 16 किसी बात 14 के लिए। आपने मुबारक डेहरी का भी मैच देखा जो प्रेमनगर में अगले साल विजेता थी, शायद हम थे वहां पर 26 जनवरी को मैचेस होते हैं, वहां पर वो विजेता टीम थी, इस बार भी शायद 26 को ही होते हैं। और 17-14 का स्कोर, 17-14 का स्कोर टाई बॉल। चलते हैं फिर एक बार मैच की ओर, 15-17 का स्कोर। अरे वाह, मैं सुपर मैन 18-15 का स्कोर। मौका है फिर एक बार कटौली के लिए, 16-18। एक बेहद ही शानदार मुकाबला बीएचयू और गोरखपुर के खिलाड़ी तैयार रहेंगे। और 19-16 का स्कोर। एक एक अंक का प्रयास सफल साबित होता हुआ 17-19। दो अंक चाहिए कटौली को बराबर पे आने के लिए, दो अंक चाहिए प्रयागराज को इस मैच को जीतने के लिए। ओहो, क्लॉकर्स के द्वारा अब 20-17। सर्विस होगी प्रयागराज 20, कटौली 17-18। टीमें काफी शानदार रहती है अलग अलग की। हल्की सर्विस और देखिए अब ताली बजाने का स्कोर 19-20 का स्कोर। अब क्या होगा, जीवन के चंद सेकेंड चेहरे पर 19-20 का स्कोर। महामुकाबला आपके बीच में कटौली की ओर से जंपिंग सर्विस, मौका प्रयागराज के लिए, क्या रुकेगी और अभी भी लंबी रैली चलती हुई बराबर क्या कर पाएगी कटौली की टीम। और ताली बजा दीजिए, आई होता था भैल बवाल, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, कमजोर दिल वाले तुरंत घर चले जाए, इस मुकाबले में कुछ भी हो सकता है क्योंकि कमेटी के पास इतनी भारी भरकम व्यवस्था नहीं है। 20-20 का स्कोर, सर्विस कटौली की ओर से, मौका प्रयागराज के लिए 20-20 का स्कोर। फिर एक बार छोटी गेंद बनी है 21-20। अब कटौली को चेक करना पड़ेगा, यानी एक अंक प्रयागराज लेगी तो फिर जीत लेगी। फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए प्रयागराज, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए इसको, या जंग हो भरपूर होना चाहिए। 21-20 कटौली क्या बराबर कर पाएगी? नहीं, इन्होंने दम तोड़ दिया, इन्होंने दम ही तोड़ दिया। अब ये प्रयागराज ये हार रुलाएगी आपको 22-20 के अंतर से। प्रयागराज ने इस मैच को जीत लिया।